Hello student, I am Raghavendra Tripathi. Today in statistics, economics topic, sources of primary and secondary data. Chapter number 2, collection of data. This work is this chapter, collection of data. The basic things is the sources of primary and secondary data. There are the following steps of the primary and secondary data. First step, what is the problem? Data को collection करने में पहला step होता है कि उसमें कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चेक करने हैं, कलेक्ट करने हैं, और तभी इसका इकोनॉमिकली पोजीशन लास्ट में पता चलेगा। सेकेंड ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्वायरी, किसी भी डाटा को कलेक्शन करने के लिए सबसे पहले उसका ऑब्जेक्ट क्या होना है, क्या चाहते हैं, ये चीज आप कलेक्शन ऑफ डाटा के प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा में दोनों में इसको आपको फॉलो करना होगा। थर्ड से स्कोप ऑफ इंक्वायरी, कितना इंक्वायरी आप कर सकते हैं, कितनी डॉक्यूमेंट्स का आप चेकिंग कर सकते हैं। टाइम ऑफ इंक्वायरी नंबर फोर, टाइम ऑफ इंक्वायरी में ये होता है कि किसी भी इंक्वायरी को करने के लिए कितने समय लगेंगे। बड़े बड़े जो बिजनेस फर्म्स होते हैं उसका स्पेसिफिकल पोजीशन जानने के लिए ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों डाटा होना जरूरी है। तो कितना टाइम लगेगा उसको आप अगर सारे डाटा कलेक्शन को करते हैं तो। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इज द मेन थिंग। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ दैट फर्म, कैपिटल रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से आप इकोनॉमिक में आप जो है कलेक्ट कर सकते हैं, बैंक से या कोई फाइनेंशियल एजेंसी से या फाइनेंशियल कंपनी से, या जैसे भी आप जितने भी आप लोन सिस्टम में या बड़े बड़े बिजनेस में जितने भी फाइनेंशियल पोजीशन को क्लियर करने के लिए ये डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मस्ट। टाइप ऑफ इंक्वायरी में ये कि किस तरह से आप इंक्वायरी करने के बाद सेटिस्फाई हो सकते हैं, या मैंने आपके हायर अथॉरिटी को आप कर सकते हैं सेटिस्फाई। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है कि कितने आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में किस किस सोर्स के द्वारा आप इंफॉर्मेशन को जान सकते हैं और उसके पोजीशन को पता कर सकते हैं। एक कलेक्शन ऑफ डाटा, जब तक आपके ये सारे स्टेप हो जाते हैं तब डाटा को आप कलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ऑडिटिंग ऑफ डाटा। मेनी टाइप्स ऑफ द कंपनीज एंड फर्म देयर आर इन द लास्ट ईयर आफ्टर 1 or 2 or 3 मे बी स्पेशली मैक्सिमम टाइम ऑफ द 3 years द ऑडिटिंग ऑल्सो कंपल्सरी। एनालिसिस ऑफ डाटा, जितने भी डाटा आप कलेक्शन करें उसका एनालिसिस भी करना जरूरी है, क्योंकि ये पता होना चाहिए कि आप क्या कलेक्ट कर चुके, क्या नहीं कलेक्ट हो चुके, ये सारी जानकारी आपको मिलनी चाहिए। इंटरप्रिटेशन कहते हैं इंटरनली क्या आप उससे किस किस डॉक्यूमेंट्स का पता लगा सके और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको मिला, ये पहले ही आप ऑडिटिंग के पहले या डाटा कलेक्शन करने से पहले आपको ये जानना जरूरी है। प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट, और जितने भी इंक्वायरी करते जाएं उस इंक्वायरी का
प्रिपरेशन बना लो कि ये चीज हमको पता चल चुका, जानकारी मिल चुकी, ये डाटा हमने कलेक्ट कर लिया। इन द लास्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द स्टेटिस्टिकल यूनिट, ठीक, ये एक जो यूनिट होता है वो सारी चीजों को कलेक्ट करने के बाद हम स्टेटिस्टिक्स के अंदर इकोनॉमिकली सारे पोजीशन को जानकारी करने के बाद फिर उसको हम फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद हम अपने हायर अथॉरिटी को सारे कलेक्शन का डाटा फीड करके और उनको भेजते हैं। यस, थैंक यू।